तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि यूके में जो टैक्स है वो सच में 50% है क्या? आपकी सैलरी का 50% सीधा सीधा टैक्स में कट जाता है। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूके का टैक्स सिस्टम कैसे वर्क करता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इसको ईजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। हाय गाइस, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं देसी कपल इन लंदन। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूके का टैक्स कैसे वर्क करता है। तो यूके में मल्टीपल तरह के टैक्सेस हैं, जैसे कि वैट, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, PAYE, स्टैम्प ड्यूटी, इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स एंड मैनी मोर। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पे की, पे एज यू अर्न पे जो टैक्स लगता है। बेसिकली जो आप सैलरीज गेट करते हैं उस पे क्या टैक्सेशन लगता है। तो जो पे एज यू अर्न टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये टैक्स है, जब आपको सैलरी मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपकी सैलरी से। सो जैसे इंडिया में TDS होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वही है यहाँ पे PAYE, विच इज़ पे एज यू अर्न। एंड ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स देना है, वो डिपेंड करेगा एक टैक्स कोड पे। हर पर्सन का डिफरेंट टैक्स कोड होता है डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टेंसेज, किस जॉब में है, क्या करते हैं, क्या उनकी करंट स्टेटस है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका टैक्स कोड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 000A एक टैक्स कोड है, 1275 एक अलग टैक्स कोड है, 1275L, 1275M, इस तरह से अलग अलग टैक्स कोड होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या अगर मैंने 10 पाउंड कमाए हैं तो क्या उस पर सीधा सीधा 50% टैक्स कट जाएगा और मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी क्या करते हैं कि आपको कुछ अलाउंस देती है, उसको पर्सनल अलाउंस बोलते हैं। बेसिकली जैसे इंडिया में आपका फर्स्ट 2.5 लाख या 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे 12,500 पाउंड पे कोई टैक्स नहीं है। तो बेसिकली जो फर्स्ट आपके, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 12,500 फर्स्ट पे कोई टैक्स नहीं है, उसको बोलते हैं आपका पर्सनल अलाउंस। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर किसे बोला जाता है। जैसे कि इंडिया में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं, यहाँ पे 6 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। जैसे इंडिया में टैक्स स्लैब्स होती हैं, यहाँ पे टैक्स बैंड्स होते हैं। तो जैसे कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं इंडिया में, उसके ऊपर आपको 10%, 20% की स्लैब, फिर 30% की स्लैब आ जाती है 10 लाख के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग बैंड्स हैं। तो जो फर्स्ट बैंड है वो है 0 से लेके 12,570 पाउंड तक, वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, 0% टैक्स। आफ्टर दैट 12,570 से लेके 50,270 तक आपको 20% टैक्स भरना होगा, विच इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट स्लैब जो स्टार्ट होती है वो 10% से स्टार्ट होती है। 50,270 तक 20% टैक्स है, और उसके ऊपर 1.5 लाख तक अगर आपकी सैलरी जाती है तो उस पर आपको 40% टैक्स पे करना होगा। ये बस यहीं तक नहीं ख़त्म होता है, इसके ऊपर एक और चीज़ आ जाती है कि आपका जो पर्सनल अलाउंस है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1,25,000 तक जाती है तो उस पर आपको पर्सनल अलाउंस कम हो जाता है या होता ही नहीं है। इसको यहाँ पे डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं कई बार लोग, क्योंकि आपका पर्सनल अलाउंस भी कम हो गया और जो आपकी सैलरी है 125 से ऊपर उस पर आपको, जो आपकी सैलरी है टिल 125 उस पर आपको 40% तक टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टैक्स बन जाता है जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रो करती है। और अगर आपकी सैलरी 150,000 पाउंड्स के ऊपर चली जाती है, बेसिकली 1.5 लाख पाउंड से ऊपर चली जाती है, तो आपका 45% फ्लैट टैक्स कटेगा। तो यहाँ की जो एजेंसी है जो टैक्स कलेक्ट करती है वो, उसका नाम है HMRC, जिसको हर मजेस्टीज रेवेन्यूज एंड कस्टम्स बोला जाता है। तो उन्हीं का सारा काम है, आप उनको मेल डाल के भी चीज़ें पूछ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल सर्विसेज हैं उनकी। और उनकी वेबसाइट है जो कि government.uk की वेबसाइट के थ्रू ही चलती है, और आप उनसे अगर आपको टैक्स कोड के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी इशू लगे आपको कि आपका टैक्स ज़्यादा कट रहा है, तो आप उनको फ़ोन करके या ईमेल करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको थर्ड पर्सन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे बात करके अपने इश्यूज रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। तो HMRC आपसे टैक्स तो कलेक्ट करती है, बट आपकी हेल्प भी करती है आपके टैक्स को समझने में। तो जो टैक्स फ्री इनकम है वो होती है यहाँ पे 12,570 करंटली जो है, लेकिन आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, क्योंकि आप इसमें कुछ कुछ अलाउंसेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैरिज अलाउंस होता है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है और आपकी सैलरी एक सर्टन नंबर से नीचे है, तो आप इसको मैरिज अलाउंस को अप्लाई करके कुछ और डिस्काउंट ले सकते हैं अपने पर्सनल टैक्स पे। प्लस अगर आप डिसेबल हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं, तब भी आपके जो सैलरी है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट्स और ज़्यादा मिल सकते हैं।
इसके अलावा आपको और भी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे घर है और आप उसको रेंट पे चढ़ा रखे हैं तो फर्स्ट 1000 pounds पे कोई टैक्स नहीं है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं। और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं और आपके फर्स्ट 1000 पे कोई टैक्स नहीं है, उसको ट्रेडिंग अलाउंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपको अलग अलग तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अब थोड़ी सी टैक्स कोड पे बात कर लेते हैं। जनरली सब लोगों का टैक्स कोड इस ईयर में 12570 चल रहा है, और इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 12,570 pounds पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद बात आ जाती है हमारी कि टैक्स डिडक्शंस में और क्या है, सिर्फ टैक्स कटता है आपकी सैलरी से या और कुछ भी? द अदर थिंग इज़ NI। NI होता है नेशनल इंश्योरेंस, यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस है जो कि फंड करता है NHS को, जो कि यहाँ का फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। वो फ्री एट सोर्स है कि अगर आप उनके सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो NI जो NHS को सपोर्ट करने के लिए जो फंड है, जो पैसा है, वो आपकी सैलरी से ही कटता है, उसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस। अभी अभी अनाउंस किया गया है कि नेशनल इंश्योरेंस की अमाउंट बढ़ जाएगी जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। तो फ्रॉम 1 June ये प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आपको 197 pounds अ ईयर एक्स्ट्रा पे करने होंगे नेशनल इंश्योरेंस से। तो आपके दो मेन पोर्शंस होते हैं आपकी सैलरी के जो डिडक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट इज़ आपका टैक्स, सेकेंड इज़ आपका नेशनल इंश्योरेंस। थर्ड चीज़ जो आती है आपकी सैलरीज में वो आती है पेंशन। यहाँ पे पेंशन अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं होता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि आप 3% 5%, तो आप कुछ भी अपनी सैलरी से सेक्रीफाइस करके पेंशन में डालना चाहते हैं, तो उसका कुछ इक्वल अमाउंट भी एम्प्लॉयर भी डालता है, तो उस अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं है। आपका एम्प्लॉयर वो पेंशन को सीधा सीधा किसी पेंशन फंड में जमा करवा देता है, जहाँ आपका पैसा स्लो स्लो ग्रो करता है। लेकिन ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, तो इसलिए इस पर कोई ऐसा डेफिनेट रिटर्न नहीं है जैसे कि होता है आपका इंडिया में कि हमें 7% या 8% मिलता ही हो, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ के पेंशन की ये बात भी है कि उसका एक सर्टन एज है, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से इंडिया मूव करते हैं तो उस मनी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया में किसी फंड में, लेकिन उस मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में, किसी एक्सीडेंटल केसेस में, आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के यूज़ कर सकते हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं। मोटा मोटा यही है कि आप उस पैसे को अभी यूज़ नहीं कर सकते टिल द एज ऑफ योर रिटायरमेंट। तो मोटा मोटा यही है टैक्स का सिस्टम। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड हिट द बेल आइकन for the notification. Thank you. Bye-bye.